मैं एक बार नहीं एक हजार बार हरामी कहूंगा जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार की सियासत को गरमा दिया है एक वक्त लग रहा था जैसे ही जीतन राम मांझी ने स्वीकार कर लिया कि उनका वो स्लिप ऑफ टंग था उनका जुबान फिसल गया था और दूसरी तरफ गजेंद्र झा जिन्होंने ये कहा था कि जो भी मांझी का जीवा काट कर लाएगा उसे वो ग्यारह लाख का इनाम देंगे बीजेपी के उनके निष्कासन के बाद पूरा मामला ठंडा हो जाएगा लेकिन जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और कहा मैं एक बार नहीं एक हजार बार हरामी बोलूंगा उन्होंने कहा कि वैसे पुजारी जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं जिनको श्लोक पढ़ना नहीं आता हमारे टोला में आते हैं पूजा करवाते हैं हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे लेकिन दक्षिणा लेकर जाते हैं मैं ऐसे लोगों को इसी लायक मानता हूं और मैं इसी तरह के शब्दों से उनको नवाजूंगा तो साफ तौर पे अब जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद एक बार फिर से जो है अब सियासत गर्मानाता है वही दूसरी तरफ खबर यह है कि कुछ हिंदुवादी संगठन उनके आवास पर हंगामा कर सकते हैं धावा बोल सकते हैं जिसको देखते हुए जीतन राम झी आवास के सामने जो है वहां पुलिस दल बल के साथ तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो जिधर ने कहा कि मैं ब्राह्मण जाति को नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं पुजारियों को कह रहा हूं और पुजारी तो दास भी होते हैं उन्होंने महावीर मंदिर का जिक्र किया और बताया कि महावीर मंदिर में दास लोग जो है वो पूजा करवाते हैं अलग अलग जाति के लोग भी पूजा करवाते हैं इसलिए मैं पुजारियों को कह रहा हूं जो जातिवाद में यकीन रखते हैं मैं ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं अब शब्दों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन विवाद को जन्म दे रहे हैं, शब्द का कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गजेंद्र झा ये कह रहे हैं कि जो भी ब्राह्मण का लड़का उनका जीवा काट कर लाएगा हम उसको ग्यारह लाख का इनाम देंगे लेकिन सवाल दोनों से है जीतन राम मान ये सवाल है कि आपके समाज के लोगों के छात्रवृत्ति का आठ हजार आठ सौ करोड़ रुपए जो है उससे नीतीश सरकार सीएम नीतीश सड़क पुल पुलिया बनवा देते हैं और यह बहाना बनाते हैं कि पोर्टल में खराबी आ गई थी इसलिए हम दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे सके लेकिन जीतन राम मांझी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि कैसे दलित छात्रवृत्ति के हजारों करोड़ की हेराफेरी की गई वही गजेंद्र झा ने कहा कि जो भी ब्राह्मण का लड़का जिधर राम जी का जीवा काट कर लाए उसे ग्यारह लाख रुपया देंगे लेकिन सवाल ये उठता है कि ये खुद गजन झा क्यों नहीं करते ये अपने परिवार के बच्चों से क्यों नहीं करवाते वो ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि कोई ब्राह्मण का लड़का जो है वो उनका जीवा काट कर लाएगा अगर कोई ब्राह्मण लड़का ऐसा करता है तो वो किसी किस तरीके से बुरी मुसीबत में फंस सकता है जब गजेंद्र झा को जो अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है उनको अगर बीजेपी ने बाकायदा शो को नो, नोटिस जारी किया है पार्टी से निष्कासित किया है अगर कोई लड़का जोश में आकर इस तरह की हरकत करता है तब वो किस तरीके से बुरी स्थिति में फंस सकता है तो सवाल दोनों से है कि किस तरीके से बिहार में जातिवाद के नाम पर जहर बोया जा रहा है एक तरफ जीताराम मान ने अपने समाज के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए कितना आवाज उठाया अपने समाज के हक के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को कितना दुरुस्त किया इसको लेकर कई सवाल है लेकिन अब जो है एक बार फिर से जब लग रहा था कि विवाद थम गया है एक बार फिर से यह कह कहकर के कि हम एक एक बार नहीं एक हजार बार हरामी बोलेंगे तो साफ हो गया है कि जीतन राम मान जी इस विवाद के जरिए अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं एक गंदी राजनीति करना चाहते हैं अब देखने वाली बात होगी कि जो लगातार ब्राह्मण समाज सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा था जब उन्होंने एक बार फिर से इस तरह का बयान दिया है तो बिहार की सियासत किस तरफ रुख करेगी बिहार की सियासत जिस तरफ भी रुख करे लेकिन साफ है कि यह बिहार की सियासत के लिए अच्छा नहीं है बिहार के लोगों के लिए अच्छा नहीं है जहां बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जहां अस्पताल की खामियों की वजह से किसी की जान चली जाती है शिक्षा व्यवस्था इतना खत्म हो चुका है लेकिन अब सारे लोग जो है इस जातिवादी मुहिम में लग चुके हैं तो हमारी नजर बनी रहेंगी इसके बाद क्या कुछ अपडेट होता है क्या कुछ बयानबाजी होंगी स्वाभाविक तौर पे, अब इसको लेकर जो है ये जो बयानबाजियों का दौर है वो और आक्रमक हो जाएगा हमारी नजर बढ़ी रहेंगी आप देखते रहें जनता जंक्शन जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इतलाह करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद